बैठक अनुष्ठित हो जाएगी। बैठक रे माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्षता करते आज विभिन्न विभाग 18 गोटी प्रस्ताव पर आलोचना होता और 18 गोटी प्रस्ताव को आज मंत्रिमंडल बैठक अनुमोदन कर। 18 गोटी प्रस्ताव भितर गोटे अन्यतम प्रस्ताव हूँ पंचायतराज एवं पानी जल जोगाण विभाग ताकि ग्रामांचल बसवास कर गरीब एवं मध्यमित परिवार किसी लोक जो मैंने घर पाइबापी छाड़ी रूरल हाउसिंग स्कीम से उद्दिष्ट से ही स्कीम संपर्क आपण मानक अवगत कराइप मानव मंत्री पंचायतराज विभाग और जल जोगाण विभाग मानव मंत्री महोदय को अनुरोध कर। आज माननीय मुख्यमंत्री पंचम पाड़ी चतुर्थ वर्ष पूर्ति अवसर में ग्रामांचल बसवास कर स्वल्प आयकारी वर्गर हिताधिकारी जो मैंने कठोर चयन प्रक्रिया बात करते पुनर्सुजोग दवा से पुनर्सुजोग दवा सहित मध्यवित्त पर लोक गृह निर्माण सहायता जोगे दवापी नूतन योजना मो घर शुभारंभ कर योजना अनुजाई बड़का रही कच्चा घर को पक्का घर परिवर्तन करवा राज्य सरकार प्राथमिकता यह प्रतिश्रुति को ग्रहण कर निम्न निम्न मध्यवित्त परिवार आशा और आकांक्षा पूरण करवा आज राज्य कैबिनेट नूतन योजना मो घर को अनुमोदन कर। वर्तमान गृह निर्माण योजना कठोर चयन मानदंड द्वारा बात पड़ा पर स्वल्प गृह मंजूर लक्ष्य धार्य कारण वंचित पर नूतन योजन उपकृत होते से विगत वर्ष स्वल्प गृह निर्माण सहायता पाई पर योजना मध्यम निज गृह उन्नतिकरण अथवा संप्रसारण कर। योजना वैशिष्ट्य आवेदनकारी को सरकार जो सब्सिडी गृह ऋण मिलता है सब्सिडी राशि संपूर्ण रूपे राज्य सरकार निजस्व पांठि प्रदान करा जाए था। यही योजन नुआ घर निर्माण कि वर्तमान गृह संप्रसारण उन्नतिकरण संपूर्णकरण करा जाए था। यह योजन हिताधिकारी 3 लाख टंका पर्यंत बैंक ऋण पाई प्रथम वर्ष रियायती अवधि को बाद परवर्त 10 वर्ष मध्य ऋण परिशोध करने को हुए। यह योजन 1 लाख 1,50,000 2 लाख और 3 लाख टंका बैंक ऋण व्यवस्था रही आवेदनकारी कौन गोटे प्रकार ऋण बाछी था। योग्यता मानदंड निम्नलिखित परिवार वर्ग यही योजन अंतर्भुक्त होगापी योग्य बेचित होता जदि पर कच्चा घर कि गोटे कटोर या कंक्रीट छात घर बसवास करुवे जदि पर पूर्वर सरकार ठारु कौन गृह निर्माण योजना अधीन सहायता पाई अथवा 70,000 टकर कम परिमाण सहायता राशि पाई जदि पर मासिक आय 25,000 टकर कम थी जदि पर व्यक्तिगत व्यवहार में एक अणव्यवसायिक मोटर चालित चारिचकिया जान नदी पर कौन सदस्य सरकारी कि सरकारी उद्योग नियमित कर्मचारी कि पेंशन भोगी हो नए 5 एकर जलसेचित कि 15 एकर अणजलसेचित जमीर कम जमी पर गृह निर्माण पर राज्य सरकार समस्त हिताधिकारी को ऋण परिमाण अनुजाई सब्सिडी राशि प्रदान करें समाज अपेक्षाकृत दुर्बल वर्ग गुड़िक यथा अनुसूचित जाति जनजाति और भिन्नक्षम मुख्य पर अतिरिक्त सब्सिडी राशि प्रदान करेंगे। आज राज्य कैबिनेट यही योजन निम्नोक्त सब्सिडी राशि को अनुमोदन कर। ऋण परिमाण 1 लाख थी साधारण वर्ग 30,000 अनुसूचित जाति जनजाति भिन्नक्षम मुख्य परिवार 40,000
एवं ऋण परिमाण जदि देढ़ लक्ष टा हुए साधारण वर्ग सब्सिडी राशि 45,000 एवं अनुसूचित जाति जनजाति भिन्नक्षम मुख्य परिवार 55,000 ऋण परिमाण 2,00,000 हेले साधारण वर्ग 60,000 एवं अनुसूचित जाति जनजाति भिन्नक्षम मुख्य परिवार 70,000 टंका ऋण परिमाण जदि 3,00,000 हुए ताहले साधारण वर्ग 60,000 अनुसूचित जाति जनजाति भिन्नक्षम मुख्य परिवार 70,000 टंकार सब्सिडी राशि व्यवस्था करा जायछि। हिताधिकारीकर ऋण खाता को दिया जायतिबा ई सब्सिडी समानकर ऋण परिशोध बाबद मासिक किस्ती ईएमआई रे उल्लेखनीय ह्रास घटेबो एवं ऋण परिमाण को अधिक सुगम करिबो। बैंक पक्षर हिताधिकारी ठारु ऋण मंजूर पर कौन प्रत्याकरण देय आदाय कर हिताधिकारी आर्थिक बोझ को आहुरी ह्रास करने को जा राज्य सरकार बंधक समय आवश्यक पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी छाड़ कर ऋण निम्ते सर्वश्रेष्ठ कार्यालय आवश्यक दस्तावेज प्रमाणीकृत नकल ईसी इत्यादि पाया पाए आवश्यक देय को सरकार छाड़ कर ऋण आवेदन निम्ते आईन परामर्शदाता देय बाबद को सर्वाधिक 1,000 टंका राज्य सरकार बहन कर यही योजन पूर्व पाई योग्य हिताधिकारी को शौचालय निर्माण विद्युत जोगाण और पानी जल इत्यादि अन्न्य योजन सामिल करोजनार कार्यकारिता यही योजन आवेदन ग्रहण करने निम्त एक निर्दिष्ट वेबसाइट .odisha.gov.in मो घर कार्यक्रम करेबसाइट मध्यम ऋण आवेदन दरखास्त एवं परिचालन करा जाई पारिबो। ऋण पाइबा इच्छुक व्यक्ति को आवेदन करने पूर्व यही वेबसाइट रे प्रथम पंजीकरण करने को पड़ो जहाँ ओटीपी माध्यम वैध होता है। आसंता जून मास 16 तारीख रु आवेदन ग्रहण करा जीवो आवेदनकारी निजे कि मो सेवा केन्द्र माध्यम आवेदन दरखास्त पूरण करिपारिबे। आवेदन पत्र दाखल समय आवेदनकारी को पासपोर्ट आकार फोटो आधार कार्ड एओआईसी डॉक्यूमेंट वोटर आईडी पैन कार्ड जॉब कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जमीन रिकॉर्ड इत्यादि प्रमाण पत्र भिन्नक्षम प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र इत्यादि कागजात संलग्न करा जाय थाय। आवेदनकारी ऋण परिमाण अंतत 10% अर्थराशि मार्जिन अर्थ मार्जिन मनी हिसाब से विनियोग सर्वनिम्न अर्थ मार्जिन मनी को आवेदनकारी श्रमदान गृह निर्माण सामग्री क्रय किंबा अर्थ आकार विनियोग गृह निर्माण करा जमीन सत्व सठिक थाई स्थितिवा मंदर और घरवाड़ी किसम होता आवश्यक यही जमी को आवेदनकारी को सर्वश्रेष्ठ कार्यालय ऋण परिशोध पर्यंत बंधक सूत्र में पंजीकरण करने को हुए। गृह निर्माण स्तर अनुसार ऋण परिमाण 2-3 पर्याय प्रदान करा जाए थाए। हिताधिकारी इच्छा कले 10 वर्ष पूर्व ऋण परिशोध करें मासिक किस्ती राशि परिमाण वृद्धि कर बैंक हिताधिकारी प्राक ऋण परिशोध बाबद कौन जरिमाना अर्थ आदाय करा जाई पारिबो नाही। तेणु ये समस्त प्रक्रिया भितर आज मो घर योजना माननीय मुख्यमंत्री लॉन्च करिसथि जहा कि आमर निम्न वर्गर तथा मध्यवित वर्गर लोकमान को संपूर्ण सहायता धन्यवाद सर। आज 18 प्रस्ताव भितर माननीय मंत्री महोदय गोटे प्रस्ताव मो घर योजना जोटा को राज्य कैबिनेट आज अनुमोदन कर संपर्क में विस्तृत भाव जन तेब मु बर्तमान अन्य 17
प्रस्ताव उपरे आलोकपात करी। प्रथम गोटे होची उच्च शिक्षा विभाग बेसरकारी महाविद्यालय कनिष्ठ महाविद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय अनुदान नियम 2008 गोटे संशोधन प्रस्ताव को जी राज्य सरकार राज्य कैबिनेट अनुमोदन कर 2008 अनुदान अधिनियम शिक्षक और अणशिक्षक पदवीर विचार योग्यता से कार्यभार और मानदंड साधारण निर्धारण करुदान नियम उपस्थापना समय उक्त मानदंड पाठागार और ग्रंथागार परिचारक पदवी आगुरी अंतर्भुक्त हो नाला ग्रंथागार परिचारक संघ अनुदान नियम 2008 पदवीटी को मानदंड अंतर्भुक्त करने निम्ते बारंबार दावी करुले। ए संपर्क में विस्तृत आलोचना पर 350 छात्र संख्यार ऊर्ध थिबा बेसरकारी महाविद्यालय जूनियर कॉलेजेस एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय मानकर ग्रंथागार परिचारक पदवी को 2008 अनुदान नीतिर मानदंड परिसरभुक्त करने को आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन देछंती। एणु ओडिशा बेसरकारी महाविद्यालय कनिष्ठ महाविद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अनुदान नियम 2008 2 अनुच्छेद 5 पर एक नूतन धारा भर्ती करने निम्ते संशोधन करने को आज राज्य कैबिनेट निष्पत्ति नहीं द्वारा यही अनुष्ठान गुड़िकर लाइब्रेरियन माने एथरे सुविधा पाइबे। आउ गोटे बड़ निष्पत्ति आज वीर सुरेन्द्र साय वैषयिक विश्वविद्यालय रूपांतर निमंते राज्य कैबिनेट तार इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट प्लान जहाँ जो 2000 कोटी टंका खर्च हे यही इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट प्लान को आज कैबिनेट मंजूरी देखते यही इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट प्लान जोटा 2000 कोटी टंका व्यय कर यही कार्यकारी हवा द्वारा वीर सुरेन्द्र साय वैषयिक विश्वविद्यालय अनेक मल्टीडिसिप्लिनरी टीचिंग एवं रिसर्च पाठ्यक्रम उपस्थापन एवं गोटे पटे एकेडमिक आउ गोटे पटे अनुसंधान संप्रदाय एवं अन्य पटे शिल्प मध्यरे सहयोग और पारस्परिक संपर्क वृद्धि पई केन्द्र यह एक केन्द्र भाव कार्य कर। आज कैबिनेट 2000 कोटी टंकार व्ययर इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट प्लान जोटा कि वीर सुरेन्द्र साय वैषयिक विश्वविद्यालय रूपांतर निमंते उद्दिष्ट ताकू आज मंजूर देखते। अबकारी विभाग गोटे प्रस्ताव थिला छोटिया प्रस्ताव जो अबकारी विभाग जो कार्यधारा को आहुरी दक्ष एवं स्वच्छ करने 5 पदक्षेप अनुसार आज अबकारी विभाग अबकारी कनेस्टबल पदवी को जिला स्तर परिवर्ते ताकू डिविजनल स्तर करने निष्पत्ति नहींपर सहकारी अबकारी उपनिरीक्षक पदवी को जिला स्तर परिवर्ते से ईआई एंड ईबी यूनिट स्तर राज्य स्तर को रूपांतरित करने को राज्य कैबिनेट अनुमोदन दे। आज ओडिया भाषा साहित्य एवं संस्कृति विभाग तरफ 2 प्रस्ताव मंत्रिमंडल सम्मुखें उपस्थापन करा गोटे हूँ जिगाटो नामक हिंदी चलचित्र को करमुक्त करने आज राज्य सरकार राज्य कैबिनेट निष्पत्ति नहीं। जिगाटो चलचित्रटी एक खाद्य परेषण करुवा बाहक तार पर जीवन संघर्ष पर्यवेक्षित जीवन प्रत्येक मुहूर्त में खाद्य जो बाहक लोकटी समाज मंगल व्रती रुए किंतु ताको सामाजिक स्वीकृति मिले ना सांप्रतिक परिस्थिति अतिमात्र व्यस्त समाज अवहेला और गुरुत्वहीन भाव द्वारा उक्त कर्तव्यरत व्यक्ति और तार परिवारवर्ग अंधकार को किपर ठेली होता चलचित्र माध्यम प्रदर्शित होती चलचित्रटी को करमुक्त करने विभाग तरफ जो प्रस्ताव उपस्थापन कर राज्य मंत्रिमंडल अनुमोदन करपरि ओडिया चलचित्र डेलीवरी बॉय जहाँ खाद्य परेषण करहक सड़क सुरक्षा सचेतनता पर्यवेक्षित अच्छी फिल्म टी
करमुक्त करने राज्य मंत्रिमंडल निष्पत्ति नहीं। कृषि एवं कृषक सशक्तिकरण विभाग तरफ आज गोटे जलोत्कृष्ट अंचल में भूतल जलर पोषण विनियोग योजना योजना उपस्थापन करते राज्य मंत्रिमंडल सम्मुखें ताकि राज्य कैबिनेट आज 364.4 कोटी टंकार प्रकल्प को जहाँकि आगामी 2022-23 रु 2024-25 पर्यंत 3 वर्ष कार्यक्रम टी टेकअप आज मंत्रिमंडल राज्य मंत्रिमंडल अनुमोदन कर क्लस्टर भित्तिर अगभीर नलकूप स्थापन कर वैकल्पिक और निर्भरजोग्य जल उत्स सृष्टि जहाँफल बृष्टि मानने जो जलकृष्ट अंचल अच्छी से अंचल मरुड़ी परिस्थिति में खरीफ चाष को अनुरूप जलसेचन सुविधा जगे दिजा रबि चाष को निश्चिंत करने यही कार्यक्रम को आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन दे। तापरे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव को आज राज्य मंत्रिमंडल अनुमोदन करा राज्य में जिते गुड़े स्वास्थ्य मेडिकल कॉलेज अच्छी बा मेडिकल एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन अच्छी जार संख्या 200 रु अधिक से विभिन्न संस्था विभिन्न विश्वविद्यालय अधीन परिचालित होती कमन करिकुलम हो ना बा कमन एग्जामिनेशन हो पारना तेणु ताकू सुसंगठित भाव व्यवस्थित भाव करने आज राज्य कैबिनेट ओडिशा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नाम एक अनुबंधित विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा और अंतर्भुक्त करार आवश्यक अनुभव करी जो थे मेडिकल एवं सहयोगी स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान क्षेत्र निष्पत्ति कराई ओडिशा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आगामी 5 वर्ष 330.17 कोटी टंका व्यय करा जो थे रेकरिंग एक्सपेंडिचर पर 100.75 कोटी एवं अन रेकरिंग कैपिटल असेट क्रिएशन में 229.42 कोटी एमती टोटल 5 वर्ष 330.17 कोटी टंका व्यय अटकल को मंत्रिमंडल आज अनुमोदन कर। आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति आज राज्य कैबिनेट नहीं गृह एवं नगर उन्नयन विभाग आपण मैंने जानती गत किसी दिन धरी ओडिशा राज्य में आपार्टमेंट गुड़िकर रजिस्ट्रेशन बा निबंधन कार्य को बंद रखा जाइए। आपार्टमेंट मालिकाना जो ओडिशा आपार्टमेंट मालिकाना अधिनियम 1982 प्रणयन कर एवं इतिमध्य रियल एस्टेट नियमावली एवं विकास अधिनियम 2016 आसी ओडिशा आपार्टमेंट मालिकाना नियम 2021 दुईटी अधिनियम भितर किसी असंगति रही कि विरोधाभास रही जहाँफल ओडिशा आपार्टमेंट मालिकाना अधिनियम 2021 विज्ञप्ति को विरोध कर ओडिशा माननीय हाइकोर्ट निकट में एकाधिक मामला दायर कर मध्यवर्ती काल में यह मामला गुड़िक जो आपार्टमेंटर पंजीकरण बंद रही पुनश्च आपार्टमेंट गुड़िकर उत्तम परिचालन निम्ते प्रचलित आईन विभिन्न व्यवस्था विविध संशोधन एवं विभिन्न धारा गुड़िकर संजोग और परिवर्तन करिवार आवश्यकता विवेचना करा जाइछे। तेणु प्रचलित आईन में व्यापक संशोधन परिवर्ते प्रचलित अधिनियम को प्रत्याहार कर एक नूतन अधिनियम प्रणयन करिवार आवश्यकता उपलब्धि होती राज्य सरकार तदनुसार ओडिशा आपार्टमेंट मालिकाना अधिनियम 1982 प्रत्याहार करने प्रस्ताव को विचार को नहीं एक नूतन अधिनियम प्रणयन करने को प्रस्ताव दि जाए जेहेतु विधानसभा कौन से अधिवेशन वर्तमान कार्यकारी हो नूतन अधिनियम ओडिशा आपार्टमेंट मालिकाना एवं परिचालना अध्यादेश 2023 जरिया प्रणयन निम्ते राज्य कैबिनेट आज प्रस्ताव को अनुमोदन कर। पंचायतराज एवं पानीय जल विभाग तरफ आज 4 गोटी पानीय जल जोगाण प्रकल्प को राज्य कैबिनेट 4 गोटी प्रस्ताव को मंजूरी देते जो प्रस्ताव जो 4 गोटी प्रस्ताव द्वारा राज्यर विभिन्न जिलार
13 लक्ष रु ऊर्ध जनसाधारण घरे पानी जोगेबाई व्यवस्था कर 2300 कोटी टंका व्यय कर। प्रथम प्रकल्पटी हूँ बलांगीर जिलार 4 ग्राम्य पानी जल जोगाण को EPC टेंडर माध्यम करा लक्ष्य रखा जा बलांगीर जिलार 3 ब्लॉक अधीन 29 ग्राम पंचायत 140 गाँव में बसवास कर 90,000 रु अधिक जनसाधारण को निरापद पानी जल जोगे दिज्वे। पटनागढ़ ब्लक 9 ग्राम पंचायत 27 गाँ, गुडभेला ब्लक अधीन 13 ग्राम पंचायत 80 गाँ एवं मुरीवाल ब्लक अधीन 7 ग्राम पंचायत 33 गाँ। ये टोटाल 3 ब्लक 90,308 जनसाधारण को पानी निरापद पानी जल जोगाण देवाई जो प्रकल्प है तार EPC टेंडर को राज्य सरकार अनुमोदन कर 535,53,01,00,000 सर्वनिम्न टेंडर को राज्य मंत्रिमंडल आज अनुमोदन कर प्रकल्पटी 24 मास समय सीमा मध्य कार्यकारी करने लक्ष्य धार्य कर। द्वितीय प्रकल्पटी हूँ गजपति जिलार 2 ब्लक 37 ग्राम पंचायत 346 गाँव में बसवास कर 1,32,000 जनसाधारण को निरापद पानी जल जोगे दार व्यवस्था कर। गुमा ब्लक अधीन 16 ग्राम पंचायत 156 गाँव 59,000 लोक, रायगढ़ ब्लक 21 ग्राम पंचायत पाखापाखि 190 गाँव में 73,000 पाखापाखि लोक पानी जल प्रकल्प द्वारा उपकृत हुए। यही जो प्रकल्पटी मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जो EPC टेंडर आह्वान कर तार सर्वनिम्न निविदा 379,17,18,000 टकर सर्वनिम्न निविदा को आज राज्य सरकार अनुमोदन करकल्पटी 24 मास समय सीमा मध्य संपन्न करने लक्ष्य धार्य कर। गोटे बड़ EPC प्रकल्प जोटा कि गंजाम जिलार 12 ब्लक अधीन 228 ग्राम पंचायत अंतर्गत 770 गाँव में बसवास कर 1,00,000 जनसाधारण को निरापद पानी जल जोगा देवाई एक मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को EPC टेंडर आह्वान कर। प्रकल्प फल कवि सूर्य नगर ब्लक 17 ग्राम पंचायत 41 गाँ, आस्का ब्लक 22 ग्राम पंचायत 45 गाँ, सोरडा ब्लक 23 ग्राम पंचायत 120 गाँ, धराकोट ब्लक अधीन 20 ग्राम पंचायत 100 गाँ, पुरुषोत्तमपुर ब्लक 19 ग्राम पंचायत 43 गाँ, पुलसरा ब्लक 22 ग्राम पंचायत 55 गाँ, जगन्नाथ प्रसाद ब्लक 24 ग्राम पंचायत 86 गाँ, भंजनगर ब्लक 23 ग्राम पंचायत 88 गाँ, बेलगुंठा ब्लक 18 ग्राम पंचायत 63 गाँ, बुगुड़ा ब्लक 18 ग्राम पंचायत 44 गाँ, बेगुनियापड़ा ब्लक 19 ग्राम पंचायत 69 गाँ एवं गंजाम ब्लक 3 ग्राम पंचायत अंतर्गत 26 गाँव में प्रकल्प को कार्यकारी कर। प्रकल्प टी EPC टेंडर आह्वान कर सर्वनिम्न निविदा L&T लिमिटेड को 1,15,91,20,001 सर्वनिम्न टेंडर को आज राज्य मंत्रिमंडल अनुमोदन कर। प्रकल्पटी को 24 मास मध्य समय सीमा मध्य कार्यकारी कर लक्ष्य रखाई यहाँद्वारा गंजाम जिले में 12 ब्लक 228 ग्राम पंचायत 770 गाँव में पाखापाखि 1,00,000 जनसाधारण को निरापद पानी जल मिल पार। शेष प्रकल्पटी पानी जल सम्बन्धी प्रकल्पटी हूँ बलांगीर जिलार 2 पानी जल जोगाण प्रकल्प को EPC टेंडर माध्यम कार्यकारी करने टेंडर आह्वान कर। टिटलागढ़ ब्लक अधीन ब्लक अधीन 16 पंचायत 42 गाँव में बसवास कर 71,300
92 जन जनसाधारण को निरापद पानी जो जल जोगेदेवाई टेंडर टी आह्वान कराइला और टेंडर टी सर्वनिम्न टेंडर मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हैदराबाद को 187.50 कोटी टकर सर्वनिम्न टेंडर को आज राज्य मंत्रिमंडल अनुमोदन कर प्रकल्पटी 24 मास समय सीमा मध्य कार्यकारी करने लक्ष्य रखी। रेवेन्यू एवं डिजास्टर मैनेजमेंट राजस्व विपर्जन विपर्जय परिचालना विभाग तरफ आज गोटे प्रस्ताव थिला आपण जानती भुवनेश्वर ठारे बागची श्री शंकर कर्कट केन्द्र एवं गवेषणा प्रतिष्ठान कार्य को अनुमोदन करा कार्य चली आगामी मसे दुई मस भितर यो डाक्तरखाना एवं रिसर्च सेंटर टी काम करबा आरंभ करिव एवं ये जो कर्कट रोगी जो मैंने ट्रीटमेंट हम डाक्तरखाना गलापर मैं अनेक समय डाक्तर सुपरविजन रहा पड़े एवं से रोगी मानक साय करने जो मैंने दूरदूरा आसुवा कर्कट रोगी मानक सहायक मान रही आवश्यक आश्रयस्थल निर्माण निम्ते अतीत राज्य मंत्रिमंडल श्री बागची श्री शंकर कर्कट केन्द्र और गवेषणा प्रतिष्ठान 2 एकर जमी जोगे निष्पत्ति नहीं आज यही जो जमी लीज दलिल निबंधन निम्ते स्टाम्प देय एवं पंजीकरण फी सर्वमोट 14,28,700 छाड़ करने राज्य मंत्रिमंडल आज अनुमोदन करपरि राजस्व विपर्जय परिचालन विभाग आउ एक गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव आज राज्य मंत्रिमंडल अनुमोदन करते जानती चकबंदी रे जो जगह सब होता है से जमी गुड़िकर फर्दर सबडिजन छोट करवा भाग करवा छोट छोट भाग कर बिक्री करवा नियम विरुद्ध था चकबंदी आईन 34 और 35 धारा को धारा सब बेनियम थी जहाँफल अनेक चाषी एवं चाषी मानकर परिवार अनेक हैरान हरकत होते निज निज भितर ताकू भाग कर पार ना चाहिए निज छोट भागटी को बिक्री बटा करसुविधा होता यही असुविधा को उपलब्ध कर राज्य कैबिनेट यो ओडिशा चकबंदी और भूमि विभक्तिकरण निवारण अधिनियम 1972 धारा 34 और 35 युटी को संशोधन उच्छेद करने प्रस्ताव को अनुमोदन कर संशोधन द्वारा जमी मालिक मैंने चक जमी विक्रय और विभाजन विभाजन करें जमी पंटा पटा गुड़िकर संशोधन यहाँ रजिस्टर शुल्क और अन्य राजस्व शुल्क सरकार।